अब हम जा रहे हैं जो हमारी रिमेनिंग सिटीज है, एक तो स्किल्स तुना है और दूसरी वास्त्रिया सा, और पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में मैं उनको कवर करूं, तो प्लीज वीडियो पे बने रहिएगा। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, सबसे पहले हमारी गाड़ी की ब्रेक लगी। काम की तो कोई चीज यहाँ पे मिलेगी नहीं वैसे, लेकिन इन तीनों के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जी खाना आ गया है और एक बोनलेस बकेट आई है अभी इन तीनों के लिए, और मेरे लिए वेजिटेरियन आ रहा है। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later। तो जी खाना पीना हो गया हमारा अब, और हम निकल रहे हैं अगली अपनी डेस्टिनेशन जो अभी place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time. तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं स्किल्स्टुना। स्किल्स्टुना काफी ब्यूटीफुल सिटी है जो कि स्टॉकहोम से 110 किलोमीटर है वेस्ट की तरफ। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस सिटी में कुछ फेस्टिवल था आज, जिस वजह से हमें सिटी सेंटर में पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पाई, और इसी वजह से हमने सोचा कि हम गाड़ी में ही सिटी को घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी प्यारा रिवर फ्रंट एरिया है, और अगर आप स्टॉकहोम से आ रहे हैं तो काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स हैं यहाँ पे देखने के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी सारे पार्क्स हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये इसकी वास्त्रस की सेंट्रल स्ट्रीट है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है वास्त्रस का सेंट्रल स्टेशन। यहाँ पे आने के लिए स्टॉकहोम से आपको तकरीबन 1 ही घंटा लगता है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो 1 घंटा 10 मिनट, और अगर आप फास्ट ट्रेन एसजे से आना चाहते हैं तो ये स्टॉकहोम के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, हार्डली 110 किलोमीटर्स है। और सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल सामने इस रोड के पीछे काफ़ी बड़ा पार्क है, और थोड़ा सा आप यहाँ पे वॉक करके जाएंगे मेरे ख्याल से कोई 400 मीटर्स में आपको यहाँ पे कासल मिलेगा, वास्त्रस का कासल। और हाँ, और जहाँ पे मैं पहले था इससे पहले सेंट्रम में, वहाँ पे भी हार्डली अंदर से वॉक करके जाओगे आप तो 15 मिनट की वॉक है, और आप डाउनटाउन एरिया में पहुंच जाओगे, और काफ़ी बिजी एरिया है वो डाउनटाउन। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी पार्क्स हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी चर्च हैं और बिल्डिंग्स हैं काफ़ी पुरानी, जो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आके देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ के रिवर फ्रंट एरिया में, काफ़ी प्यारा है वो रिवर फ्रंट एरिया। है तो वैसे वो रेजिडेंशियल एरिया अब, लेकिन वो काफ़ी अच्छा एरिया है, और आशा करूँगा कि आपको वो अच्छा लगेगा। How did you like this place? You been here for the first time? No. I was always been here. Okay. You come here before also? Yeah. That's very nice. Because, so these are like different crews. Yeah.
So they have a restaurant and everything in there. Yes. Yeah, they have tickets. You want the ticket? Maybe they take us to Stockholm, maybe. Yeah. So अभी हम एक प्यारे से waterfront area के पास आए हैं. यहाँ पे ये छोटे क्रूज शिप्स लगे हुए हैं. इनमें बेसिकली ये रेस्टोरेंट्स होते हैं और लोग इनकी टिकट लेके अंदर क्रूज़ करते हैं और दिन दिन का क्रूज़ होता है, एक या दो होता है, और उसमें आप लंच वगैरह कर सकते हैं. उसका सीन अ लॉट ऑफ चेंज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन सम थिंग्स आर नॉट द सेम एज़ दे वर अ ईयर अगो. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी अच्छी लोकेशन है. इससे पहले हम यहाँ नहीं आए थे. इससे पहले हम वो वाली उस लोकेशन में थे. मेरे ख्याल से हम लास्ट ईयर आए थे या इसी साल आए थे. इसी साल आए थे, बट इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो हम आए थे लास्ट टाइम. इस एरिया में नहीं आए थे हम, क्योंकि हमें इतना पता नहीं था सिटी के बारे में. तो काफ़ी अच्छा एरिया, और आप मेरे पीछे सुन सकते हैं आवाज़ें, बिल्कुल पार्टी वाइब्स बनी हुई हैं यहाँ पे, और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अपनी. और आप जैसे देख सकते हो, वहाँ से लिटरली मैं वॉक करता हुआ आया हूँ यहाँ तक, और ये हार्डली 200 मीटर्स है, और आप ऐसे लगता है कि लेक के बीचों बीच पहुँच चुके हो. काफ़ी अच्छा एरिया है, और अगर आप आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, बिल्कुल वास्त्रस में आइए. काफ़ी अच्छा एरिया है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए, और आप घूम भी सकते हैं. और मोस्टली जो है वो वाटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, और साथ में आप सन बाथ भी ले सकते हो. और ये मेरे ख्याल से यहाँ किसी का घर है, या फिर ये मेरे ख्याल से ऑफिस है इनका, जो अलग अलग डॉक्स बने हुए हैं प्राइवेट बोट्स के लिए. अभी यहाँ पे और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और होप आपको भी अच्छी लगी है वीडियो. काफ़ी अच्छी लोकेशन है, और काफ़ी मज़ा आया हमें. और ऐसे ही हम आपको आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी सिटीज़ में ले जाएंगे घुमाने के लिए. फ़िलहाल तो समर का टाइम थोड़ा रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट जितनी भी नियर बाय सिटीज़ हैं उसको कवर करूँ, और आने वाले टाइम में मैं वो आपको दिखाऊँ. तो अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. Thank you so much for your time. Some things are not the same as they were a year ago.